जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि ब्रेड लेके आई थी मैं कल, और मैं सोचा चलो बहुत दिन हो गए तला हुआ, हमने कुछ बनाया ना बनाते हैं और ना ही हमें पचता है, तो ये मैं यहाँ पे ब्रेड काट रही हूँ और मैंने घोल इसका बना दिया है। ऐसे बहुत हो रहे थे कि एकदम वो मानते थे मेरे उठने का। तो ये हमने बैटर बना दिया है, ऐसे कर दो इसको डिप। बीच में तो मैंने बेकार ही लगाया, कम लगाना चाहिए बीच में, ऐसे 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 और फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये बनेगा हमारा ब्रेड पकौड़ा। तेल गर्म हो रहा है अभी, खूब खौलता हुआ तेल होना चाहिए, पर ये तो बस उसी टाइम लगाना चाहिए ये वाला, जब ना ये तेल हमारा गर्म हो। ये देखो आज सुबह के ब्रेकफास्ट में बन रहा है हमारा ब्रेड पकौड़ा और साथ में चाय। ये लग सही है, मैं तो तलने का वहां रह गया है पार वाले घर में, अब तो कोई जाएगा वहां पे तब आएगा। ठीक है, उतने को मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। ये तो लकड़ी वाला है ना तलने वाला, इससे नहीं होता इतनी अच्छी तरह से जितना उससे होता था। ये लो जी, इतने को मैं दूसरा तैयार कर लेती हूँ। नहीं माँ दी मूर्ति फस के मेरे नन मोल, माँ दिए मूर्ति हंस के मेरे नन मोल मानिए। ये देखो, और चटनी नहीं है हमारे पास, नहीं चटनी वाले ना बहुत टेस्टी होते हैं। वो टूट गया है जो क्या बोलते हैं जो तलने का होता है चालना जैसा, वो टूट गया है। हा 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 हा। ओ माँ दिए मूर्ति तू हंस के मेरे नाले बोल, माँ दिए मूर्ति। तो जितने को हमारे ये बन रहे हैं ना, उतने को मैं आप लोगों को गाना सुनाऊंगी, जो कि मैंने कल ना एक फंक्शन में गई थी मैं, मैंने वहां पे गाया और वो गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, पुराना गाना है, कोई नया नया गाना नहीं है, पर उसके ना जो स्टेंजे है ना उसके वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। ये देखो, मैंने अपने हस्बैंड को दूध दे दिया है, पहले चाय दे दी फिर दूध दे दिया, और फिर भी इनसे बैठा नहीं जाता, लगे हिलने इस प्लास्टर को। मैंने कहा जब जब आप दूसरी बार जाओगे ना और जब डॉक्टर बोलेंगे कि जुड़ा नहीं है सही से, तब आपको पता लगेगा, बैठते नहीं है एक जगह पे। तो मेरा सूट बड़ा हल्का सा महसूस होता है बरसात में, क्या मेरे को ये आदत पड़ गई है कि मैं कहीं पे भी टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकती। मैं कल गई थी वो थोड़े से टाइट हो गए हैं, जहाँ पे फंक्शन में गई थी मैं, तो मेरे को ऐसा हो गया जैसे मेरा दम घुट रहा है, ऐसा हो गया मेरे को, मेरा दम घुटने, मेरा दम निकल जाएगा। तो कैसा शरीर हो जाता है ना आदमी का। तो इसको भी डाल लेती हूँ उसमें डिप करके, फिर आपको गाना सुनाती हूँ। एक मिनट, है ना गाय बंद हो बेटा। तो चलो, हाँ बेटा आंगन तो छोड़ देती, पर तेरे ने बादल जाएगा फिर। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ श्याम तेरे मिलने का और राधे तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का और राधे तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
आत्मा तुमसे बिछुड़े हुए ओ कई युग भी गले में पता नहीं, मैं जब मैं धाम की सब्जियां खाती हूँ ना तो मेरे को ऐसा ही होता है गले में। ओ कई युग बीत गए श्यामा तुमसे बिछुड़े हुए हो आजा मेरे सांवरिया, हाँ आजा मेरे सांवरिया, मेरा आखरी बुलावा है ओ श्याम तेरे मिलने का, ये सत्संग ही बहाना है ओ श्याम तेरे मिलने का, ओ तुम्ही मेरे मात पिता और तुम्ही मेरे बंधु सखा, ओ तुम्ही मेरे मात पिता और तुम्ही मेरे बंधु सखा, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये तो रिश्ता पुराना है ओ श्याम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलिए मैंने गाना भी गा दिया और ये देखो ये भी हो गया, हमारे चार हो गए ब्रेड पीस, बस दो के बनाऊंगी मैं और फिर मैं आपको बाद में मिलूंगी, ठीक है, खाते हुए बाद में मिलती हूँ। तो वो देखो मैंने चाय डाल दी है चार गिलासों में और अब मैं इसमें डालूंगी अपने ब्रेड पीस। तो हम सभी बैठ के खाएंगे, ये देखो वो चले गए, साथ में चाय। उठो भाई उठो सारे, अलग अलग लेके जानी पड़ती है सारी। ना उठो तू गिलास में पीती हूँ कांच के, मुझे कांच के गिलास में चाय पीना अच्छा लगता है। उठी ना बेटी, जो के तमाशे देखो आप, जो जो ने कहाँ ढूंढ रखी है अपने लिए जगह, जो जो क्या बिठा है, बंद करवा बोले, जो जो देखो कहाँ शोर रहता मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया मेरी जान, कहाँ शोर रहती आजकल। ये देखो टेबल के नीचे ना एक लगाया मैंने अपने कमरे में, उसके नीचे देखो जोजू देख ऊपर देख लिया मेरा बच्चा, मेरी जान गई हो रही गुंगू। ये देखो आजकल ये जगह बना रखी है इसने सोने के लिए। सुंदर है कितना पता है, ये क्या बोल रहे हैं कि मैं सबकी लिस्ट बना रहा हूँ भाई, कौन मेरी सेवा कर रहा है। ग्लास देखो पीछे, इनको अभी लेके जाऊंगी मैं, बस हमने खाया ब्रेकफास्ट, बोल रहे सब की लिस्ट बना रहा हूँ मैं, सही बात है बनानी चाहिए। फिर पता क्या आता है याद जो भी पत्ती में काम आए कौन नहीं, इधर देखो इधर देख के बोलो ऐसा क्या है खुला हो मेरे पति मेरे तो ज्यादा सुंदर है बहुत ज्यादा। अरे देखो हमारा बेटा उधर
बड़ा भारी काम करता है इसने, पशुओं का सारा सामान रखा है। पर बस पता क्या इसका, अगर मान लो अभी बोलेंगे इसको पशुओं को बाहर बांध ना, तो ये बांधेगा 1 घंटा बाद, वो टाइम टाइम नहीं पकड़ता नहीं चीज का कि अभी इसी काम का टाइम है तो मैं वो करूँ, बस वो नहीं पकड़ता, बाकी बहुत काम करता है। अच्छा मधु राठौर माँ ने बोला दिल्ली से ना, उम्र की बेटी बोलती है, हनी को बोला मुंह दिखा दिया कर, बड़ा प्यारा लगता है। हाय कर लो, हाय आंटी, हेलो गाइस, हाय नानी जी, हाय आंटी जी, मेरा मुंह देख रहा तू भी, ये देख तू क्या देख रहा है, क्या बोल रहा, हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल, क्या क्या लग और पता कब बोला था ऐसा, मम्मी ने कब बोला था, 9 बजे, 9 बजे से पहले बोला था, मैं बोला बारिश थम गई है, मैंने कहा तू अभी ये कर दे तो अब 10 बजे तक जाना है। तो ये बाप बेटा बहुत बहस करते हैं आपस में, सच्ची बोल रहे हैं। और ब्लॉग कल से कर रहा है स्टार्ट, पर इसको कल से नहीं 3-4 दिन हो गए और इसके ब्लॉग अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। और सब बोलते हैं कि जब आप फैमिली का ब्लॉग बनाते हो ना सब साथ में बैठ के मिलके, तो बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज भी जाते हैं। तो चलो हम वीडियो एंड करते हैं, वीडियो एंड कर, नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। रुकी रुकी की बोलते रहे तो समझ नहीं आना कि इसके पे क्या लग रहे बोलने। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर, रामनवमी की शेयर तो क्या, रामनवमी मैं ना एक चुटकुला सुनाती हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुबह सुबह पढ़ा मैंने ना, पता नहीं वो सही है, वो पेपर दिया था स्टोरी में लॉकडाउन में ना, ऐसे ऐसे बच्चों के हाल है आजकल। एक एक पूछा था ना किसी ने, मतलब क्वेश्चन में आया था जब वो था ना कि सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसके हालात है भैया, उसका कारण है भाई। तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था ना एक बच्चे को, पता नहीं 8वीं का बच्चा था भाई, रामनवमी किसे कहते हैं भाई, जब राम भगवान जी 8वीं क्लास से 9वीं को हुए, राम भगवान राम, जब राम 8वीं से 9वीं को हुआ था भाई, तो उसको राम रामनवमी कहते हैं भाई। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं, डायल कॉल, रिसीव कॉल, मिस्ड कॉल। आजकल भाई जियो की वजह से सब कुछ लुप्त होते जा रहे हैं, है ना। तो फिर लास्ट में टीचर ने लिखा है लाल पेन से, बेटा तू भी स्कूल से लुप्त होता जा, हो जाएगा थोड़े दिनों। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। ये हमारा बेटू है, बड़ा बेटू, और इसका इसका मुंह देख के पता कैसा स्वभाव इसका, बड़ा जैसे मेरा स्वभाव है बाहर नहीं, पर मैं तो हंसती भी हूँ, ये बहुत कम हंसता है, पर मेरे साथ कभी कभी माँ के साथ, बाकी ऐसे। और जब बाहर कहीं जाता है ना, इसका नेचर बताऊं मैं आप लोगों को, तो बिल्कुल इस ये जो ये इसकी भावे है ना, जिसकी आईब्रो इनको बिल्कुल मिला देता है, और ऐसा सोचता है मतलब कितना डॉन हूं मैं, ये किसी से भी बात नहीं करता, इसका नेचर ऐसा है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट करेगा, पांव छुएगा, नमस्ते करेगा, ये बिल्कुल बात नहीं करता। फिर बोलता अगर मैं शहर में पड़ा होता ना तो मैं बहुत ज्यादा फ्रैंक होता मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं बच्चे मेरे बहुत कम, मैं सोच रहा भाई अब जिद तो करेंगे, मेरे को बहुत सारा है, बहुत है। तो चलो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये काफी अब प्लास्टर चढ़ा हुआ रिकवर का क्या बताऊं मैं, वैसे ठीक है, दर्द इनको है नहीं, चला फिरा जाता नहीं, तो बस ये समझो कि ठीक ही है ना। तो जय माता दी, राम राम, राम राम कर लो, सबसे प्यारा वर्ड है दुनिया में, जय माता दी और राम राम, राम राम।